सर्दियाँ हो या बारिश, सबसे पहले पकौड़ों की याद आती है। तो चलिए आज बनाते हैं चार नए तरीके के पकौड़े। तो पहले बनाते हैं पालक के पकौड़े। पालक को धो लें, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो इसे अच्छे से साफ करना ज़रूरी है। पालक के पत्तों को ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे, इसको बड़ा ही रहने देते हैं। इसके साथ मैंने डाल दिया है एक प्याज, इसको मैंने लंबाई में यानी जूलियंस में काट लिया है। नमक और मिर्च डालेंगे क्वांटिटी के हिसाब से। मैंने एक बंच पालक लिया है तो मैंने आधा टीस्पून नमक डाला है और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आधा टीस्पून डाल दें चाट मसाला और एक टीस्पून इसमें डालना है सफ़ेद तिल। बहुत थोड़ा सा यानी एक चौथाई टीस्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। ये जब फ्राई होंगे तो इसमें से बढ़िया से खुशबू आएगी गरम मसाले से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा 2 टीस्पून। अब इसमें बेसन डाल देना है, ये मैं डाल रही हूँ 4 टीस्पून। पालक प्याज और बेसन को मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और मिलाएं। इसको हम पतला नहीं करेंगे, सारी चीज़ें आपस में चिपक जाना चाहिए, बस उतना ही हम पानी इसमें डालेंगे। देखिए इस तरह। अब बस पकौड़ों को फ्राई करना है। अब बनाएंगे सुईया की भाजी और प्याज के पकौड़े। एक पंच सुईया की भाजी को धोकर साफ कर लिया है और उसे बारीक काट दिया है। इसके साथ मैं डाल रही हूँ एक प्याज जिसको मैंने बारीक काट दिया है। भाजी और प्याज को मिक्स करें। अब इसमें डाल दें 4 टीस्पून बेसन। अब इसमें डाल देना है 2 टीस्पून चावल का आटा। चावल का आटा पकौड़ों को कुरकुरे बनाते हैं। आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाल दिया है आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक डाल दें आधा टीस्पून। ये कुकिंग सोडा है, खाने वाला मीठा सोडा, 1/4 टीस्पून इसमें डाल दिया है। गरम मसाला है, ये भी 1/4 टीस्पून डाला है। इन सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लें। अब इसमें पानी डालकर मिलाएं, इसे थोड़ा पानी ज़्याद लगेगा यानी हमें इसे गीला रखेंगे। मिश्रण थोड़ा सा पतला रखेंगे, इससे पकौड़े अंदर भी सॉफ्ट बने रहेंगे। बस इसे अब हमें फ्राई कर लेना है। अब बनाएंगे आलू और प्याज का पकौड़ा। प्याज मैंने लंबाई में काटा है यानी जूलियंस में। एक आलू मैंने लिया है, इसे मैंने फ्राइज की तरह काट लिया है। अब इसमें डाल देना है लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, भुना हुआ जीरा का पाउडर 1/2 टीस्पून, खाने वाला मीठा सोडा 1/4 टीस्पून। अब इसमें बेसन मिला देंगे। बेसन में डाल रही हूँ 3 टीस्पून। पकौड़ों को कुरकुरे बनाने के लिए अब इसमें मिला देंगे चावल का आटा। चावल का आटा 1 टीस्पून या फिर इसमें आप कॉर्नफ्लोर मिलाएं। सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लें, इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालें। बस ये आपस में चिपक जाए बस उतना ही हमें पानी इसमें मिलाना है। मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसे लगेगा। बस अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है। अब बनाएंगे कैप्सिकम और आलू के पकौड़े। मैंने रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन कलर का कैप्सिकम लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप कलर वाले कैप्सिकम ही लें, ग्रीन कैप्सिकम भी सेम ही टेस्ट करता है। कैप्सिकम को मैंने लंबाई में काट लिया है, आलू को मैंने फ्राइज की तरह काट लिया है। कैप्सिकम के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक आप उंगली पे लें और इसे अंदर की तरफ लगाएं।
पकौड़ों के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। इसका घोल थोड़ा पतला ही रखेंगे। तो मैंने बाउल में डाल दिया है आधा कप बेसन, चावल काटा में डाल रही हूँ 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, नमक आधा टीस्पून, सोडा डाल दिया है 1/4 टीस्पून। मसालों को पहले मिक्स कर लेंगे, इसके बाद इसमें पानी डालकर घोल बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, ये घोल थोड़ा पतला रखेंगे। बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो ये कैप्सिकम पे लगेगा ही नहीं। देखिए, इस तरह का घोल हमें तैयार करना है। इसे फ्राई करने के लिए हम कैप्सिकम के अंदर आलू रखेंगे, जो हमने फ्राइज़ के शेप में काट लिया है, एक रखें और इसे बैटर में डिप करें और इसे डीप फ्राई कर लें। सारे तरह के पकौड़े जो हमने अभी मिक्स किया था, उन्हें हम डीप फ्राई करेंगे, उन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें और गर्मा गर्म पकौड़ों का मज़ा लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। पकौड़े बनाने के बाद मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आपको कौन से पकौड़े अच्छे लगे। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।